तो हेलो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसा डोर लॉक जो कि कंट्रोल होगा इस रिमोट से। तो गाइस यार, उसके लिए हमें चाहिए एक ट्रांसमीटर और रिसीवर और एक छोटा सा नट और बोल्ट, और ये है प्लाईवुड और ये अपना नॉर्मल डोर लॉक, और ये अपनी 3.7 वोल्ट की बैटरी और एक गियर मोटर। तो चलो गाइस यार शुरू करते हैं। तो गाइस यार, सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, इस डोर लॉक को इस पे फिट करना होगा, जो कि आप स्क्रू की हेल्प से भी कर सकते हो, पर मैं अभी ग्लू गन की हेल्प से करूँगा। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। गाइस यार, अब हमें क्या करना है कि इस गियर मोटर को कुछ इस तरीके से फिट करना है, और ये नट और बोल्ट को कुछ ऐसे लगाना है कि जब ये घूमेगा तो ये डोर लॉक अंदर और बाहर आएगा। तो गाइस यार, अभी हम क्या करेंगे, इस नट को हमें यहाँ पे फिट कर लेंगे, जो कि हम करेंगे एम सील की हेल्प से, और इस बोल्ट को यहाँ पे फिट कर देंगे। तो गाइस यार, आप देख ही सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ चुका है और काफ़ी मजबूती भी आ चुकी है। तो गाइस यार, अभी क्या करना है, हमें इसे को यहाँ पे फिट करना होगा। तो गाइस यार, अब मैंने इस मोटर को यहाँ पे फिट कर लिया है। तो गाइस यार, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। गाइस यार, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अभी बारी है इसमें रिसीवर लगाने की। तो गाइस यार, लगाते हैं। तो गाइस, ये है अपना रिसीवर, जो कि आपको नॉर्मली किसी भी रिमोट कंट्रोल टॉयस में मिल जाएगा। तो गाइस यार, इसमें ये है दो वायर्स जो कि है आउटपुट के लिए, जो कि अपन लगाएंगे इस मोटर में, और ये है प्लस और माइनस की वायर जो कि अपनी बैटरी में लगेगी। तो गाइस यार, इसे लगाते हैं। तो अभी का इस हमने ये आउटपुट की वायर्स ये मोटर्स में लगा दिए हैं। अभी बारी है इसमें बैटरी लगाने की, जो कि बैटरी इसमें प्लस में ये प्लस लगेगा, और हमें एक स्विच भी ऐड करना है। तो इस स्विच के लिए, स्विच की एक वायर तो बैटरी में लगेगी और दूसरी वायर इसके साथ, ये इसके साथ। तो गाइस
जैसा भी आप देख सकते हो, हमने इसमें स्विच लगा लिया है, जो कि स्विच की एक वायर बैटरी के साथ लगी है और दूसरी वायर रिसीवर के साथ, और एक डायरेक्टली रिसीवर के पास गई है। तो अभी गाइस ये सारा कुछ लग चुका है, बस अभी ये चार्जिंग पिन बची है जो कि हम लगाएंगे डायरेक्ट बैटरी के साथ, जो कि इसके प्लस की वायर और ये माइनस की वायर। तो इसमें प्लस में प्लस लगा देंगे और माइनस में माइनस। अभी गाइस सारी वायर्स लग चुकी हैं, अभी बाकी है इसमें टेप लगाने की। तो अभी गाइस यार हमने इसमें सारी वायर्स लगा दी हैं, सारे कनेक्शन हो चुके हैं, बस बारी है इसको फिट करने की। तो गाइस अभी हम इसे फिट करते हैं ग्लू गन की हेल्प से। तो गाइस एक वायर और बची है जो कि है एंटीना के लिए, बट अभी हमारे पास एंटीना नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो गाइस यार अभी ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अभी हम इसे डोर में लगा के भी चेक करेंगे। तो गाइस यार डोर पे चल। तो गाइस यार अभी मैंने इसको यहाँ पे फिट कर लिया है। तो गाइस इसकी टेस्टिंग करते हैं, सबसे पहले इसको ऑन करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं अभी ये डोर लॉक हो चुका है। तो गाइस यार आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। एक और फायदा है कि ये बाहर से ही वर्क कर सकता है, अपन चाहे बाहर हो तो भी अपन डोर को लॉक कर सकते हैं।